कैसे हैं? मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने और 2 मिनट किस करंट अफेयर में परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाता है, जिसमें आज 2 बड़े प्राइज बताए जाएंगे। ये परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। पहला है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इस वर्ष का मैन बुकर प्राइज बेसिकली इसको बोलते हैं, है ना, मैन बुकर प्राइज। ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है लेखन के कार्य में, है ना, लिटरेचर के कार्य में। और इस बार का मैन बुकर प्राइज मिला है ज़ोखा अल हर्थी को। ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है, ये अरेबिक लेडी हैं जो ओमान से हैं और पहली ओमानी महिला बनी है जिनको ये पुरस्कार मिला है, उनके पुस्तक सेलेस्टियल बॉडी के लिए। ठीक है जी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ज़ोखा अल हर्थी और सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। और इसके अंतर्गत ये पुरस्कार अगर देखा जाए तो लंदन में प्रदान किया जाता है और प्रथम अरबी मूल की महिला होने के लिए ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है, अप्रैल से ही लगातार आ रहा है और अभी भी लगातार ये क्वेश्चन में आने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में रहा था, रैमन मैगेसे अवार्ड। रैमन मैगेसे अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल किसी न किसी भारतीय को मिलता है और इस वर्ष मिला है। बहुत ही बड़ी जो शख्सियत है रवीश कुमार, पत्रकार, NDTV के पत्रकार हैं, उनको मिला है भारत की तरफ से। कुल मिला के 5 लोगों को मिला है ये। और इसमें इसको जो रैमन मैगेसे पुरस्कार होता है 1957 से बांटे जा रहे हैं, ये फिलीपींस की सरकार देती है वहाँ के राष्ट्रपति की याद में, रैमन मैगेसे की याद में। और ये समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, मुख्य रूप से सामाजिक कार्य करने के लिए, है ना, सोशल ड्यूटी पूरी करने के लिए दिया जाता है। तो इस वर्ष 5 लोगों को दिया गया है, ये रवीश कुमार इंडिया से और थाईलैंड से हैं, आंग्रा खाना नीला अजीत, है ना, ये थाईलैंड के हैं। फिर किम योंग की ये साउथ कोरिया से हैं, उसके बाद बर्मा से हैं कोस्वी विन और थाईलैंड वहाँ फिलीपींस से ही हैं रामायुंग के पुजानते। तो 5 लोग हैं, 5 लोगों के नाम देखिए, आप देख लीजिएगा, बिकॉज कभी कभी हम सिर्फ रवीश कुमार को पढ़ते हैं, हर क्वेश्चन और जगह से भी आ जाता है। तो अलग अलग देशों का, इंडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, म्यांमार और फिलीपींस, ये 5 जगह हो गए क्लियर, ठीक है। और मैन बुकर पुरस्कार ओमान की महिला को दिया गया है और लंदन में दिया था और ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। थैंक यू सो मच।